हैप्पी दिवाली। मैं भी रेडी माय चैनल। मैं हूँ स्वाति। आज दिवाली है, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और अभी इवनिंग का 4 बजने वाला है, शायद आपको यहाँ पर शो नहीं होगा। तो अभी मुझे करना है प्रिपरेशन, जैसे कि डिनर की प्रिपरेशन करना है, थोड़ा सा रंगोली वगैरह बाहर डालना है तो उसकी प्रिपरेशन करना है। तो मैं सोच रही थी कि मेरा जो ब्लॉग है मैं अभी उसे स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि आज का दिन इतना बिजी रहेगा ना, जब और आज के दिन हमारा जो हाउसवाइफ का रूटीन होता है ना, काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है, पता है। और खुद के लिए भी टाइम नहीं रहता रेडी होने के लिए। अगर इन सब चीज़ों में रेडी नहीं होंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता। फेस्टिवल है, सबको रेडी होना ज़रूरी होता है। तो इसी कारण मैंने जल्दी से स्टार्ट कर दिया है। जो भी घर के काम है, इवनिंग के जो भी काम रहेंगे वो भी कर लूँगी। और दिवाली है तो उसकी भी प्रिपरेशन करना है। मैंने अपने घर को ज़्यादा डेकोर नहीं किया है इस बार। लास्ट टाइम मैंने बहुत अच्छे से किया था, बट इस बार नहीं किया है। मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसी कारण। और तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, हाउस वाइफ के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है फेस्टिवल में, क्योंकि खुद को भी रेडी होना है, पकवान खाना वाना वो भी रेडी करना है, सब जिम्मेदारी जो है ना हमारे ऊपर आ जाती है। तो चलिए, कंटिन्यू बने रहिएगा। तो गाइस, फाइनली मेरी जो रंगोली है बड़ी मेहनत के बाद बन गई है, बिल्कुल भी नहीं बन रही थी मेरे से। और अभी तो आपको पता ही है कितनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सुंदर सी रंगोली बनाते हैं, और मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया था, तो इसी कारण मेरे से नहीं बन रही थी। पर मैंने फिर भी बनाया एक दो, बंदर का टेंशन। इसके पापा नहीं थे, मार्केट चले गए थे जैसे दिवाली के लिए कुछ सामान वगैरह लाने के लिए, और इशू थी। तो मेरी बेटी तो आपको पता ही है कि बहुत समझदार है, क्योंकि वो उसको मना करो ना तो वो इन सब चीज़ों के लिए मतलब ऐसे छूती नहीं है, बिल्कुल टच नहीं करती किसी चीज़ को, वो सिंपल से बैठी रहती है। देखिए यहाँ पर वो कूद रही है अंदर आपने देखा होगा उसकी मस्ती। तो ये देखिए हमारा ब्लॉग है, जो कि सिंपल सा ही हम लोगों ने उसको रेडी किया है सीरीज वगैरह लगा के, और बस यहाँ पर मेरी रंगोली कंप्लीट हो गई है। तो ये देखिए फाइनली, मतलब जो मेरी फाइनल रंगोली है ये देख लीजिए, बड़ी मेहनत से की है। प्लीज़ आप लोग बोलिएगा मत कि अच्छी नहीं बनी। गाइस, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ईशू हैप्पी दिवाली बोलो। ये देखिए हमारी ईशू रेडी हो गई है। ईशू बोलो हैप्पी दिवाली। मैं भी रेडी हो गया हूं। ये देखिए ईशू बोलो, ईशू बोलो हैप्पी दिवाली बोलो। ईशू दिखाओ अपना ड्रेस, दिखाओ बेटा ईशू, ईशू दिखाओ। नहीं दिखाना ईशू को, ये देखिए एक मिनट में दिखाती हूं। ईशू फोड़ो, हाँ फेंको फेंको फेंको, ये देखिए ईशु ने इतना, ये ऐसा देखना पड़ता है, कहाँ अपना दूसरा ले गया, कहाँ गया। देखिए ईशु ने कितना प्यारा सा ड्रेस पहना, मैंने आपको दिखाया था ना, बहुत क्यूट लग रही है। कि मैं रेडी हो गई हूँ, और ये देखिए यहाँ पर खाना वगैरह मतलब मैंने प्रिपरेशन करके रख दिया, सब्जी बनानी है और आटा लगा के रखा है, चावल चढ़ाना है और भजिए बनाना है, वो भी मतलब मैंने सब कुछ रेडी करके रख दिया, और गर्मा गर्म फिर फ्राई करूँगी। और यहाँ पर कढ़ी भी बन के रेडी है, तो मैंने क्या किया जल्दी जल्दी करने के लिए, जो मतलब पहले ही प्रिपरेशन करके रख दिया था, आधा आधा करके रख दिया है, पहले फटाके फोड़ेंगे, फोटो सेशन करेंगे। और हम लोग रेडी हो गए हैं, बताइए कैसे लग रहे हैं। तो और आप लोग क्या कर रहे हैं दिवाली के मौसम, तो बताइए हम लोगों को, है ना, कमेंट करके बताना। और देखिए हम लोगों ने सबने मैचिंग पहना है, कैसे लग रहे बताना। ये देखिए ये सभी मेरी पूरी फूल गई, और जो मैं आपको दिखा रही थी वो फूली ही नहीं, बस बन गई पूरी। और यहाँ पर हो गया है सब कंप्लीट हो गया, डिनर वगैरह कंप्लीट हो गया, मिक्सी बन गया, बट डिनर नहीं किया, बस पूजा चालू है मिक्सी, अभी मैं यहाँ पर पूजा करूँगी। और जैसे कि आप लोगों को पता है, जब भी कुछ भी होता है, कोई भी त्यौहार है, कुछ भी रहे, तो मैं पूजा यहीं पर करती हूँ बुद्ध भगवान जी के पास, ऐसे तो देवी करती हूँ ये, बट ऐसा कुछ भी होता है तो मैं यहीं पर, जैसे कि नीवद या जो भी चीज़ें मैं यहीं पर देखती हूँ, कि मैं
बुद्ध भगवान जी को मानती हूँ, आप लोगों को पता ही है क्योंकि आप लोग मेरे जो ब्लॉग है वो हमेशा वॉच करते हैं। तो बस यहाँ पर मैं सिंपल से पूजा अपनी कर लूँगी और आप लोगों ने दिवाली कैसे सेलिब्रेट की ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कैसे इंजॉय किया, क्या किया ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग भी अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाए थे क्योंकि आप लोगों का सिचुएशन पता ही है। बट इस बार बहुत 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 अच्छा लग रहा था क्योंकि फ्री माइंड भी थे, किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी और बस यहाँ पर मेरी पूजा वगैरह हो गई है। तो ये जो कैंडल्स है आपको पता ही है मैंने दिखाया था जो कि मुझे गिफ्ट मिला है, तो इसमें डोरी दी है तो यहाँ पर मैं बांध लूँगी और इसमें कैंडल जलाना है तो वही मैं निकाल के मतलब इसको बाहर साइड लगाऊंगी। और मुझे बहुत प्यारा गिफ्ट लगा क्योंकि कोई भी प्यार से गिफ्ट देता है ना उसकी जो मतलब वैल्यू होती है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, कोई भी चीज़ प्यार से देता तो बहुत अच्छा लगता है मुझे तो बहुत। अगर मुझे कोई छोटी सी छोटी चीज़ें देता है ना तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि गिफ्ट में उन सबका ना प्यार छुपा हुआ होता है क्योंकि कोई भी हर किसी को ऐसे ही नहीं देता है गिफ्ट वगैरह, जो अपना होता है उसको ही देता है। तो यहाँ पर इनको मैंने बोल दिया है कि आप यहाँ पर लगा लीजिए कैंडल्स, तो ये यहाँ पर लगा लेंगे और बहुत प्यारा गिफ्ट लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यूनिक सा क्यूट सा अच्छा लगता है। और ये सब चीज़ों के लिए हमारे घर में ज़रूरत होती है ये, क्योंकि जब हमको घर डेकोर करना है मीन्स के ऑल टाइम आया मतलब काम में ही आएगा ये सब चीज़ें ऐसी हैं। चलो फटाके ले लिए पूरे आपने, हाँ इशू करो ये लेकर चलो बेटा तुम, दे दो उसके पास दे दो, हाँ लो आ जाओ। अच्छा नहीं फोड़ा, ऐसा है क्या? नहीं नहीं वो लेकर आ रही है ना, आ रही है, हाँ आ रही है लेके। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइए यहाँ पे इंजॉय करने के लिए, सब मिलकर इंजॉय करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, अकेले अकेले इंजॉय करना अच्छा नहीं लगता है ना। और हम लोगों का था घर जाने का बर्थडे, यहाँ पर जो होता है तो ये भी हमारा घर ही है, हमें दिवाली सेलिब्रेट करना चाहिए तो इसी कारण गए नहीं। तो आप लोग भी आ जाइए और इंजॉय कीजिए और ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया है। और इशू को यहाँ पर थोड़ा सा डर लग रहा था तो मैं उसको है ना कैप लगा दूंगी क्योंकि उसको डर लग रहा था, पहले से नहीं डरती थी पर पता नहीं आजकल वो डरने लगी है उसको, क्योंकि इतने तेज तेज आवाज़ आ रही थी ना बहुत ज़्यादा ही, तो बच्चों को होता है यार मैं तो डर जा रही थी। जिनको पता है मैंने जो बड़े वाले पटाखे आते हैं बम वो मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने दिया, उनका फोड़ो मत प्लीज, मुझे वो प्रॉब्लम हो रही थी कि जिससे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी तो होता ही है, पर दिवाली है और इसे इंजॉय करना ज़रूरी है क्योंकि साथ में एक गाड़ी आती है और इसे खुल के अच्छे से इंजॉय करना चाहिए। और तो चलिए इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, मुझे गुड नाइट।